हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से वेलकम है हमारे YouTube चैनल लेट्स कोड पे। कोड करे बिना डरे। दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज मैं माइक्रोसॉफ्ट के रिक्वायरमेंट इंटर्न के साथ आया हूं, तो एक इंटर्नशिप माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से लेके आया हूं आप लोगों को। तो आप लोग वीडियो को पूरा कंप्लीटली वॉच कीजिएगा, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे अप्लाई करना, पूरा प्रोसेस को डिटेल में बताने वाला हूं ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। और आप लोग का मैं होप करता हूं आप लोग को इस इंटर्नशिप में अपॉर्चुनिटी मिले यहां से माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से और आप लोग की लग जाए। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल लेट्स कोड को, क्योंकि इस चैनल पे आप लोगों को इसी तरह नई सर्टिफिकेशन की इन्फॉर्मेशन, कोर्सेज की इन्फॉर्मेशन, वेबिनार एंड क्विजेस की इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। आप लोग मेरे चैनल में विजिट करके देख भी सकते हैं, मैंने बहुत सारा वीडियो इंटर्नशिप का, क्विजेस का, जॉब रिलेटेड का बनाया जिसके मदद से आप लोग ढेर सारा सर्टिफिकेट साथ में बहुत सारा नॉलेज भी कलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आप लोग को लिंक मिल जाएगी इस इंटर्नशिप की जो कि माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से प्रोवाइड की जा रही है। डाटा साइंस की इंटर्नशिप है दोस्तों। सारा चीज मैं बताने वाला हूं दोस्तों, क्या आप लोग को स्टाइपेंड मिलेगा, ये सारा चीज को एक्सप्लेन करने वाला हूं। देख सकते हैं हम लोग माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो ये कोई भी फर्जी वेबसाइट नहीं है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है जहां से आप लोग को इंटर्नशिप प्रोवाइड की जा रही है। बात करते हैं इंटर्नशिप की दोस्तों, आप लोग को वर्क फ्रॉम होम इंटर्नशिप नहीं रहने वाला है, पहले ही मैं बता देना चाहता हूं। आप लोग को जाके करना पड़ेगा इंटर्नशिप। जॉब अवेलेबल इन 3 लोकेशन आप लोग देख सकते हैं, या तो हैदराबाद, या फिर आप लोग को नोएडा, या फिर आप लोग को तेलंगाना जाना पड़ेगा एंड वहाँ पे आप लोग का इंटर्नशिप होगा। ये सॉरी तेलंगाना मैंने बोला, बेंगलोर या जाना पड़ेगा आप लोग का। यही तीनों लोकेशन आप लोग को दिख रहा है, ये 3 लोकेशन में से कंपनी वाले जिसमें भी आप लोग का दे उसमें आप लोग को जाना पड़ेगा वहाँ पर। बात करते हैं इंटर्नशिप का, आप लोग जॉब नंबर देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो एम्प्लॉयमेंट टाइप है ये इंटर्नशिप है दोस्तों, और प्रोफेशन इंजीनियरिंग रहना चाहिए। जो डेट ये पोस्ट हुआ है ये इंटर्नशिप का 19th of August 2020, तो कभी भी ये फुल हो सकती है दोस्तों, तो जल्दी से अप्लाई कर ले इस पे ताकि आप लोग का मिस ना हो पाए दोस्तों। और नीचे जाते हैं दोस्तों, यहाँ पे मैं बता देना चाहता हूँ स्टाइपेंड का कुछ लिखा गया नहीं है, लेकिन जो भी बड़े कंपनी में आप लोग अगर इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करते तो आप लोग का इंटर्नशिप में पक्का स्टाइपेंड मिलता है। अप्रोक्स 30,000 to 35,000 ऑफ स्टाइपेंड मिलता है, तो आप लोग का 6 लाख पर एनम आप लोग बोल सकते हैं एज ए सैलरी आप लोग को मिल सकती है स्टाइपेंड। तो आप लोग बिल्कुल ही इस इंटर्नशिप में अप्लाई करो, और एक बड़ी कंपनी में अगर आप लोग का इंटर्नशिप लग जाता है तो बहुत ही बड़ी बात रहती है दोस्तों। और नीचे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज का बात है, तो आप लोग का कोडिंग की नॉलेज बहुत ही अच्छी रहनी चाहिए क्योंकि डाटा साइंस का इंटर्नशिप है, तो आप लोग का कोडिंग का नॉलेज तो रहना ही चाहिए। प्लस आप लोग का प्लानिंग की नॉलेज रहना चाहिए, डिजाइनिंग की नॉलेज रहना चाहिए, इंप्लीमेंटेशन की नॉलेज रहना चाहिए। क्वालिफिकेशन की बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो मैं बता देना चाहता हूँ अगर आप लोग बीटेक किए, एमटेक किए, एमएस डिग्री कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस फील्ड और जो भी रिलेटेड फील्ड में कर रहे हैं तो आप लोग एलिजिबल हैं। आप लोग का जो सीजीपीए है वो 8 रहना चाहिए आप लोग का ग्रेजुएशन में, 10 और 12 में मैंडेटरी नहीं है लेकिन ग्रेजुएशन में आप लोग का 8 CGPA रहना चाहिए दोस्तों। यहाँ पे बैचेस यहाँ पे कुछ डिसाइड नहीं किया, तो कोई भी बैच से आप लोग इवन आप लोग फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, तो आप लोग अप्लाई कर दीजिए, आप लोग का भी लग सकता है, तो आप लोग जल्दी से अप्लाई कर दीजिए क्योंकि यहाँ पे बैचेस कुछ मेंशन नहीं किया गया। लोकेशन जैसा कि मैंने पहले ही बताया हैदराबाद, बेंगलुरु एंड नोएडा में लोकेशन आप लोग को मिलने वाला है। बेनिफिट्स क्या क्या मिलेगा आप लोग को, इंडस्ट्री लीडिंग हेल्थ केयर आप लोग को मिलने वाला है, गिविंग प्रोग्राम्स आप लोग को बहुत सारा मिलेगा, डिस्काउंट्स मिलेगा, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज मिलेगा, बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, बहुत फायदा होने वाला है इस इंटर्नशिप अगर आप लोग का लग जाता है तो। अब अप्लाई का बात आता है दोस्तों, तो अप्लाई के लिए आप लोग को यहाँ पे अप्लाई नाउ का बटन दिख रहा है, उस पर आप लोग को क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग अप्लाई नाउ का बटन पे क्लिक करते हैं दोस्तों, आप लोग का पेज यहाँ पे दूसरे पेज पे रेफर हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरह का आप लोग का पेज आ जाने वाला, आप लोग डायरेक्ट साइन इन कर सकते हैं आप लोग अपने गूगल से, या फिर आप लोग माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट है तो उससे भी आप लोग कर सकते हैं। तो मैं गूगल से डायरेक्टली साइन इन कर ले रहा हूँ। उसके बाद जो प्रोसेस है वो उसको अच्छे से देखिएगा दोस्तों, क्योंकि जो फॉर्म फिलअप में जो मुश्किल रहती है, जो मेन स्टेप है वही है, जितना अच्छे से आप लोग फॉर्म को फिलअप करते हैं उतना आप लोग का चांसेस बढ़ रहता है कि आप लोग का लग जाए इंटर्नशिप। तो यहाँ पे आप लोग को सिंपली अपने आईडी से यहाँ पे लॉगिन हो जाना है, जैसा कि मैं यहाँ पे हो रहा हूँ, स्क्रीन में आप लोग को दिख रहा होगा। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग को कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, यहाँ पे कंटिन्यू विथ एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है आप लोगों को। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग को यहाँ पे सारा चीज़ यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे सारा चीज़ आप लोग को फिलअप करना है दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं नेम अपना फिलअप करना है, यहाँ पे लास्ट नेम, फिर आप लोग को प्रीफर्ड फर्स्ट नेम भी यहाँ पे फिलअप कर देना अपना, एंड फिर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं सारा चीज़ को आप लोग को फिलअप करना है। प्रोफेशनल टाइटल जो है आप लोग का वो फिलअप करना है आप लोगों को,
एंड फिर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो भी है चीज़ आप लोग अच्छे से यहाँ पे फिलअप कीजिएगा। आप लोग अच्छे से देखिए यहाँ पे फ़ोन नंबर अपनों आप लोग को यहाँ पे टाइप कर देना है, फिर आप लोग को एड्रेस अपना यहाँ पे पूरा फिलअप कर देना है दोस्तों। उसके बाद आप लोग अपना अगर वेबसाइट है तो आप लोग अपना वेबसाइट का URL डाल सकते हैं जो कि बहुत ही अच्छी रहती है, आप लोग डाल सकते हैं। अगर आप लोग का कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस है मींस कभी इंटर्नशिप लगा है कोई भी कंपनी में तो यो चीज़ को यहाँ पे आप लोग डाल सकते हैं। अगर नहीं लगी है तो आप लोग छोड़ भी सकते हैं, NP लिख के छोड़ सकते हैं। अगर लगी है तो अच्छे से डालिएगा दोस्तों ताकि आप लोग का अच्छा यहाँ पे फिर चांसेस रहती है ज़्यादा अगर आप लोग को लगी रहती है तो। फिर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग को एडुकेशन डिटेल्स यहाँ पे सारा चीज़ डालना है, जो भी आप लोग का एडुकेशन डिटेल्स से दोस्तों मीन्स कहाँ से पढ़े हैं वो सारा चीज़। फिर एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आप लोग का क्या क्या यहाँ पे आता है CSS वगैरह जो भी आप लोग का आता है वो सारे चीज़ को यहाँ पे आप लोग ऐड स्किल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं ऐड स्किल का एक ऑप्शन आप लोग को दिख रहा होगा, उस पर आप लोग क्लिक करके यहाँ पे सारे चीज़ को अपना डाल सकते हैं। एंड यहाँ पे देख सकते हैं डालने के बाद फिर आप लोग का यहाँ पे देख सकते हैं आर यू विलिंग टू रिलोकेट, तो यहाँ पे यस कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट अगर आप लोग अपना रिज्यूमे को यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा दोस्तों अच्छा से रिज्यूमे बना के, फिर आप लोग को दोनों चेकबॉक्स पे क्लिक कर देना है दोस्तों। सारा चीज़ जब अपलोड कर लेंगे आप लोग फिर आप लोग को ये इन्फॉर्मेशन आ जाएगा यहाँ पे, तो ये सेलेक्ट कर दीजिएगा एंड फिर से आप लोग को सबमिट कर देना है। जैसे आप लोग सबमिट करते फिर आप लोग को दूसरा पेज आ जाएगा, यहाँ पे क्वेश्चन कुछ भी है आप लोग अपना हिसाब से यहाँ पे पढ़ लीजिएगा, जो भी क्वेश्चन आप लोग को जो यस या नो लगे वो आप लोग यहाँ पे अपना यहाँ पे डाल दीजिएगा, जैसा कि मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ। तो ये सारा चीज़ को आप लोग डालने के बाद आप लोग का जो प्रोसेस है वो आप लोग को मैं बताता हूँ आप लोग को क्या करना है। फटाफट मैं यहाँ पे अपना डाल दे रहा हूँ जो भी है एंड सबमिट कर दे रहा हूँ दोस्तों। जैसे ही सबमिट कर देता हूँ फिर यहाँ पे लास्ट आप लोग को देख सकता है आर यू पासिंग आउट इन 2022, तो यहाँ पे यस या नो पे कोई दिक्कत नहीं है। अगर पास नहीं भी हो रहे तो भी आप लोग नो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर पास हो रहे तो यस लगा सकते हैं, फिर आप लोग सबमिट कर सकते हैं। जैसे ही आप लोग सबमिट करते हैं दोस्तों फिर आप लोगों को यहाँ पे कुछ इस तरह का यहाँ पे इंटरफेस आता है, मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, जो यहाँ पे आप लोग का मैसेज आ जाएगा कि आप कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज आ गया, थैंक यू का कि आप लोग फिलअप कर दिए हैं और आप लोग का एप्लीकेशन उनके पास रिसीव हो चुका है। फिर आप लोग का जो भी रिक्रूटर है वो आप लोग का फॉर्म को देखेंगे और उनके हिसाब से अगर मैच होता है तो आप लोग को फिर कॉन्टैक्ट किया जाएगा। तो आप लोग को इसी तरह फिर आप लोग का फिलअप करके रख देना है एंड अगर आप लोग का सिलेक्शन हो जाता है तो आप लोग को कॉन्टैक्ट करके वो लोग कॉन्टैक्ट करेंगे और फिर आगे का प्रोसेस बताएंगे। तो होप करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो लोग भी इस लॉकडाउन इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर पाए। तो दोस्तों मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इंटर्नशिप के साथ, कुछ नए जॉब रिलेटेड अपॉर्चुनिटी के साथ। तब तक आप मेरे चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ नाइस डे।